हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल हमारे सामने है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपको इजीली समझ में नहीं आ रहा हो एक्चुअली करना क्या, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 और 10। आपके पास नंबर्स कौन से गिवन है? देखिए, 4, 9 और 10 आपको बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट आपको स्क्वेयर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि 180 इज नॉट अ स्क्वेयर नंबर। 180 स्क्वेयर नंबर है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 के टेबल में कितना आ गया, 90 में आ गया, और ये 45, और ये 3 में गया 15, और 3, 5। तो देखिए, इसके अंदर जब 180 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 निकल आया। 2 का पेयर तो बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, बट 5 का पेयर नहीं बन गया। अब देखिए, यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बस ठीक है, हमारे पास क्या नंबर बच गया, 5 का पेयर नहीं बना ना, तो आप एक काम करो, 180 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, जो कि हमारा आ जाएगा 900। तो 900 से आप टेस्ट कर सकते हो, आपके 4, 9 और 10 तीनों के टेबल में आएगा और ये एक स्क्वायर नंबर है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में था 4, 9 और 10, ये तीन नंबर्स दिए गए थे। आपको बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट जो स्क्वेयर नंबर है वो निकालो जिसके अंदर ये तीनों नंबर से वो डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि तीनों का एलसीएम लिया आपने, तीनों का एलसीएम लिया मैंने, 180 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन था कि स्क्वायर नंबर, 180 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो 180 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और ये पता लगाया कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको मैंने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 10 भी बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा ही है, मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो आप फटाफट इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ।